हेलो बच्चों, कैसे हो? आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स आएगा, कितना आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, वो सब बातें हमें देखनी है। ठीक है, देखते हैं। चलो आइए, सपोज कीजिए हमारे पास है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस समझते हो? इनवर्ड बोर्ड के अंदर की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ओके, इसमें मान लीजिए ये मैंने एक सिलेंड्रिकल वायर एलिमेंट मान लिया। ऐसे मान लीजिए एक बड़ी वायर है, सो एक छोटा पार्ट मान लिया। क्या लेंथ मान ले इसकी? डीएल। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या मान ले? ए। तो ए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या डीएल क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, और इसकी एक्सिस के अलोंग करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। एक्सिस के अलोंग कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। ठीक है, नाम दे दे पी से क्यू, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? पी से क्यू, आई करंट इन द वायर। ठीक है, वायर के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या करें? अब इसके आगे क्या करें? ध्यान दो, मुझे निकालना है फोर्स। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, और सभी इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है जो करंट है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा तो सारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं करंट के अपोजिट। ये तो पता ही है आपको, सभी इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन करंट से अपोजिट हो गई। ठीक है, ओके। अब देखो, इतना पता लग गया इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, सब क्या करें? मुझे पता है एक चार्ज पार्टिकल क्यू के ऊपर फोर्स क्या होता है? एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। पढ़ा था हमने, क्यू वी क्रॉस बी पढ़ा था हम लोगों ने। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या आ जाएगा? ई। और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है तो माइनस लग जाएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल फोर्स आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो सबसे पहला काम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाए। तो मान लेते हैं लेट एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। इस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या हो गया? एरिया इंटू लेंथ, लेंथ क्या है? डीएल, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? एन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है? एन। एक रुपए में कितनी टॉफी आती है? पांच। पांच रुपए में कितनी आएंगी? मल्टीप्लाई। तो यूनिट वॉल्यूम में एन है तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन स्मॉल एफ मान लेते हैं, माइनस ई वी डी क्रॉस बी। ये क्या कर दिया मैंने? ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स क्या ले लिया? एफ। ई क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, चार्ज नेगेटिव होता है तो माइनस आएगा। पीछे पढ़ा था आपने फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस का। और कंडक्टर के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है, वी डी कर दिया, और बी मैग्नेटिक फील्ड है ही। ठीक है, क्यू वी क्रॉस बी है। अब मैं अगर बात करूं टोटल फोर्स बताओगे तो टोटल फोर्स मान लेते हैं कैपिटल एफ, क्या हो जाएगा? एन ए डी एल, दिस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक का फोर्स। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो वैल्यू पुट कर दो, एन ए डी एल और एफ की वैल्यू है माइनस ई वी डी क्रॉस बी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इक्वेशन नंबर वन दे दूं, ये मेरे पास फोर्स आ गया टोटल, लेकिन इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करना है, एक छोटा फॉर्मूला चाहिए, तो मैं इन चीजों को हटाना चाहता हूं। कैसे क्या करूं वो देखो, लेट लेट मी सिंस
एक फॉर्मूला था करंट और डेट वेलोसिटी में, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, याद आ रहा है? एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सेम ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ए एरिया, वी डी डेट वेलोसिटी। तो यहां देखो, अगर मैं इसको एल से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी कर दूं, ठीक है, बट यहां पे लेंथ क्या है? डीएल, तो डीएल कर दो इसको, हो गया। अब देखो ध्यान से, करंट की डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट राइट, पी टू क्यू, बट डीएल की डायरेक्शन करंट के अलोंग ही जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन यहां पे डीएल के अलोंग लेके चलेंगे, करंट की डायरेक्शन डीएल के अलोंग लेके चलेंगे। आगे जाके हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, करंट एलिमेंट, बाय साइड से लोग करंट एलिमेंट, उसमें वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट एलिमेंट क्या होता है? आईडीएल, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट इसकी डायरेक्शन करंट के अलोंग होती है, इसकी डायरेक्शन करंट के अलोंग होती है, ध्यान रखना इस चीज का। तो डीएल जो एलिमेंट है, इसकी डायरेक्शन करंट के अलोंग होगी, ठीक है, बट अगर मैं वेक्टर लगा दूं डीएल के ऊपर, तो ये डायरेक्शन करंट की होगी, एन ई ए वी डी डीएल। यहां वेक्टर लगा दूं मैं वीडी के ऊपर, तो मुझे बताओ डीएल की डायरेक्शन और वीडी डायरेक्शन अपोजिट है। डीएल तो है करंट के अलोंग पी से क्यू, बट वीडी क्या है? क्यू से भी अपोजिट हो गया, इसलिए क्या आ गया? माइनस, ठीक है। इसका यूज करके फर्स्ट क्या बन जाएगी? देखो एन ई ए वी डी डीएल, एन ई ए डी एल वी डी सेम आ गया, माइनस भी आ गया। इसका मतलब इस पूरे को मैं आईडीएल से रिप्लेस कर सकता हूं, तो करो। एफ क्या बन जाएगा? आई डीएल क्रॉस बी, समझ गए? आई डीएल क्रॉस बी, ये मेरे पास क्या आ गया? फोर्स, ठीक है। मैंने शुरू में ही कहा था ये जो फोर्स है, सॉरी यहां पे ये जो कंडक्टर है, ये जी बड़े कंडक्टर का एक छोटा पार्ट है डीएल, तो छोटा पार्ट जो डीएल है इसका फोर्स हमने क्या माना? एफ। अगर स्मॉल कंडक्टर तो फोर्स भी इसको स्मॉल मान लेते हैं, तो मैं यहां पे इस एफ की जगह टोटल फोर्स की जगह मैं डीएफ कर देता हूं, मतलब इसके ऊपर टोटल फोर्स, फोर्स एक इलेक्ट्रॉन का आया था, टोटल के लिए मैंने क्या कर दिया? डीएफ, तो यहां भी डीएफ हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने डीएफ माना, तो ये हो जाएगा डीएफ, क्यों माना? स्मॉल कंडक्टर स्मॉल लेंथ का, ठीक है। तो टोटल फोर्स क्या आ गया? आई डीएल क्रॉस बी, इतनी बात समझ में आ गई? अरे भाई स्मॉल एलिमेंट डीएल है तो फोर्स भी डीएफ मान लिया, ठीक है। टोटल फोर्स, टोटल फोर्स के लिए क्या करें? डीएफ का इंटीग्रेशन एफ हो जाएगा, आई बाहर, डीएल का इंटीग्रेशन कर दो क्रॉस बी, इतनी बात समझ में आई? और इसको इस टाइप से ब्रैकेट कर दो, क्लियर। अब डीएल की लेंथ जो भी आ सकती है वो आ जाएगी, एफ आई डीएफ का इंटीग्रेशन करेंगे एल, एल क्रॉस बी। ये जो समझाने के लिए बताया है कि छोटे का लेके बड़ा करेंगे, तो क्या अदरवाइज पहले भी आंसर आ गया था, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? आई एल क्रॉस बी, ठीक है। दिस इज वेक्टर फॉर्म, और ये क्या कहता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो वेक्टर एफ है, ठीक है, ये किसके पैरेलल है? एल क्रॉस बी की डायरेक्शन के, ठीक है ना, और एफ परपेंडिकुलर टू एल और एफ परपेंडिकुलर टू बी। एफ जो फोर्स आएगा वो एल और बी के प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। तो एफ परपेंडिकुलर टू एल, एफ परपेंडिकुलर टू बी लिख सकते हैं ना, एफ इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एल एंड बी, एल और बी के प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ में आ गई? एंड डायरेक्शन इज गिवन बाई, डायरेक्शन इज गिवन बाई राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आता है ना आपको यूज करना, ठीक है, पीछे पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट में। इतनी बात आपको समझ में आ गई? फोर्स क्या होता है? आई एल क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट आ गया तो मैंने थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताने के बारे में सोचा। पहले ये देखो, क्रॉस प्रोडक्ट है तो एफ जो होगा एल के परपेंडिकुलर बी के परपेंडिकुलर, इसी का ध्यान रखना, फोर्स परपेंडिकुलर टू एल, फोर्स परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। अब राइट हैंड थंब रूल था, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? मान लो ये वेक्टर मेरे पास एल है, ये वेक्टर बी है, तो एल से बी की तरफ जा रहे हैं, यहां फोर्स आएगा,
क्या डायरेक्शन आएगी? राइट हैंड रूल क्या कहता है? फर्स्ट वेक्टर से सेकंड की तरफ मूव करो, तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ मूव करेंगे, किधर आया? आउटवर्ड, ठीक है। तो फोर्थ की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? आउटवर्ड। आउटवर्ड के लिए क्या होता है बेटा? डॉट। इसी टाइप से अगर ये मान लो एल है और ये मान लो बी है और मैं इधर जा रहा हूं, थीटा एंगल मान ले, ठीक है। अब ये फोर्स है, अब देखो थम इधर इधर से इधर जा रहे हैं, उल्टा हो जाएंगे नहीं, ऐसे एल से बी इनवर्ट। तो फोर्स जो होगा वो एल और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर, आप देख पा रहे हैं एल और बी दोनों बोर्ड में है, फोर्स या तो आउटवर्ड आ रहा है या इनवर्ड आ रहा है, इसका मतलब फोर्स एल और बी के परपेंडिकुलर, इनवर्ड या आउटवर्ड। राइट हैंड थंब रूल पहले ही पढ़ चुके हैं, जस्ट एक बार आपको रिवाइज करवाया, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आ गई। इसके बाद न्यूमेरिकल्स में हम लोग इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज करेंगे, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल कब यूज करते हैं? जब बी और एल में एंगल थीटा हो लेस देन 90, तो ये यूज करते हैं। कौन सा? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कब यूज करते हैं? जब दोनों वेक्टर में एंगल थीटा हो 90 से कम, लेकिन जब दो वेक्टर में एंगल 90 हो, जब दो वेक्टर में एंगल 90 हो तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना आसान होता है। क्या होता है पहले पढ़ चुके हैं, फिर देखिए। अगर हम लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को इस टाइप से स्ट्रेच करें कि तीनों परपेंडिकुलर है, तो फर्स्ट फिंगर हमें देगी मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर देगी डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ये देगा फोर्स। थंब देगा फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और करंट, समझ गए? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, इतनी बार समझ में आ गई कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल क्या होता है। इसके बाद देखो, अगर मैं बात करूं भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या आया, आई एल क्रॉस बी इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में अगर देखो तो फोर्स क्या हो जाएगा? आई एल बी साइन थीटा। अरे ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, और थीटा इज एंगल बिटवीन L एंड B, L और B के बीच का एंगल जो मैंने अभी बताया। अगर L और B में एंगल 90 है तो राइट, तो या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, अगर 90 से कम है तो राइट हैंड थंब रूल आसान रहता है, ठीक है। इसके बाद देखो केसेस बनाते हैं कुछ। केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू जीरो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, कंडक्टर की लेंथ भी इधर, पैरेलल है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? आई एल बी साइन जीरो, पैरेलल जीरो, फोर्स क्या हो गया? जीरो। या वायर के ऊपर कोई फोर्स नहीं आएगा, ये वायर थी, लेंथ एल, करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। इसी टाइप से केस टू, थीटा 180, थीटा 180 का मतलब बी तो इधर और वायर में लेंथ एल, करंट इधर जा रहा है, तो इस केस में ये फोर्स क्या आएगा? जीरो, क्योंकि साइन 180 क्या होता है? जीरो। बी आई एल साइन 180, साइन 180 क्या होता है? जीरो। ये भी फोर्स क्या आ गया? जीरो, ठीक है। अगर मैं बात करूं केस थर्ड की, थीटा 90, थीटा 90 का मतलब बी तो इधर, लेंथ इधर, मतलब करंट ऊपर जा रहा है, तो यहां पे एंगल 90 हो गया, ठीक है। तो फोर्स क्या आ गया? आई एल बी साइन 90, साइन 90 क्या होता है? 1, आई एल बी, एंड दिस इज मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो फोर्स जीरो आएगा, अगर परपेंडिकुलर है तो फोर्स मैक्सिमम आएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। बेसिक बेसिक बातें हमने की। न्यूमेरिकल्स करने से पहले फॉर्मूला था हमारे पास एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। यहां पे एल क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना, इट इज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। ये ध्यान रखना, वायर जहां से जा रही है वो लेंथ नहीं लेनी, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ठीक है ना। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये चीज ध्यान रखना। जैसे अगर मेरे पास वायर यूं आ जाए तो एल ये नहीं होगा, एल ये नहीं होगा,
एलई होगा, समझ गए, क्लियर है। इस टाइप की जरूरी बातें आपको पता होनी चाहिए कि एल क्या होगा और एल कैसे नहीं होगा, ठीक है, बहुत जरूरी है ये। एल डिस्प्लेसमेंट है दो पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो, सपोज करो मेरे पास एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक वायर ले ली ए बी, ठीक है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक वायर ले ली ए बी, इसकी लेंथ क्या मान लें एल, और फील्ड क्या माना हमने बी, करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है आई, ठीक है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन, तो हम यह दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड, सबसे पहले फील्ड का है इनवर्ड, लेंथ क्या है इसके परपेंडिकुलर, दिख रहा है आपको, तो एफ क्या होता है आई एल बी साइन थीटा, तो एफ क्या हो गया आई एल बी साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1, तो आई एल बी फोर्स आ गया न्यूटन। अरे बोलो, अगर कुछ वैल्यू का सवाल आ जाए तो सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे अभी, ठीक है। डायरेक्शन की बात करें, सुनना ध्यान से, इट कैन बी फाउंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड थंब रूल कब यूज करेंगे, जब थीटा 90 से कम हो दोनों वेक्टर के बीच में। कौन कौन से वेक्टर हैं, एल और बी, अरे वेक्टर क्या है भाई, एल और बी, एल एंड बी, ये दो वेक्टर हैं, ठीक है ना। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कब यूज करेंगे, जब थीटा 90 के बराबर हो, एल परपेंडिकुलर टू बी, समझ गए, आसान रहता है, कोई खास बात नहीं है, इजी रहता है, ठीक है। कैसे वो देखो, अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड देती है, सेकंड फिंगर करंट देती है, इधर जा रहा है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, समझ रहे हो ना, तो फील्ड के परपेंडिकुलर और लेंथ के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स कहां आ गया अपवर्ड। लेफ्ट हैंड रूल से यूज करना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आसान पड़ता है, हालांकि राइट हैंड थंब रूल से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे ध्यान रखना पड़ेगा वो देखो, एल किस साइड है, इधर, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है बेटा, अंदर की तरफ, ये इस टाइप से बन जाएगा वैक्टर, ठीक है। अब ये क्या कहता है, फर्स्ट से सेकेंड की तरफ, तो ये वैक्टर ऐसे ही है, ऐसे फर्स्ट से सेकेंड की तरफ घुमाओ, ऐसे, मेरी बात समझ रहे हो ना, ये कहाँ आया, ऊपर की तरफ, तो राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बहुत आसान पड़ता है इसके लिए, सीधा ऊपर, ठीक है। तो एफ इज परपेंडिकुलर टू लेंथ, सीधा आ गया। तो इस टाइप से डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूज करनी आनी चाहिए कि कौन सा रूल यूज करें, ठीक है। यहां जनरली इस क्वेश्चन में आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इजी रहेगा, ठीक है। मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है, सपोज करो ये वायर दे दिया आपको, 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, लेंथ है इसकी 6 मीटर और मैग्नेटिक फील्ड दे दिया 10 टेस्ला, ठीक है। फाइंड फोर्स, जस्ट मैग्नीट्यूड पूछा है आपसे, तो फोर्स क्या होगा बेटा, बी आई एल साइन 90 हो जाएगा, अरे यार फील्ड अंदर, साइन 90 क्या होता है 1, तो बी आई एल, B कितना 10, I कितना 2, L कितना 6, 120, सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इसी में मान लो आप लोगों से पूछ लें क्या कि भाई इस टाइप से क्वेश्चन है आपके पास, ये और ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझ गए, ये वायर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और ये सेमी सर्कुलर वायर है तो रेडियस क्या मान लें इसकी आर, मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। फाइंड फोर्स ऑन वायर, अब वायर सीधी थी पहले तो अब टेढ़ी हो गई, सेमी सर्कुलर, इसमें क्या करें बताया था एल क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, हमें वायर की लेंथ से मतलब नहीं है, तो ए बी लेंथ कितनी होगी,
टू आर। अरे बोलो क्या होगी, टू आर। मॉडुलस की बात कर ले, क्या होगी, टू आर। तो फोर्स क्या हो जाएगा, बी आई एल साइन थीटा, एंगल कितना 90, अरे फील्ड इनवर्ट है, तो बी आई एल की जगह क्या आ गया, टू आर, एल की जगह क्या आ गया, टू आर, खत्म। बोलो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, सेमी सर्कुलर वायर है भाई, ये करो यहां से यहां तक वायर है, तो डिस्टेंस मैंने समझाने के लिए बताइए, ठीक है ना, ये मेरा आंसर आ जाएगा बी आई टू, मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए बस, ठीक है, समझ में आ गई बात, ओके। और देखो इसके ऊपर क्वेश्चन, सपोज करो आपके पास आ जाए क्या आ जाए, इस टाइप से टेढ़ी मेढ़ी वायर आ जाए, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, करंट फ्लो कर रहा है आई, और ये लेंथ आपको गिवन है 4 मीटर, करंट जा रहा है 4 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड है 4 टेस्ला, तो बताओ फोर्स ऑन वायर इसमें क्या करें, वही बात, शेप से कोई मतलब नहीं, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट से मतलब है भाई, बी आई एल साइन 90, समझ गए, तो एल और बी आपस में परपेंडिकुलर है, तो बेटा बी कितना दे रखा है 4, आई कितना दे रखा है 4, लेंथ भी कितनी है 4, साइन 90 क्या होता है 1, तो 64 न्यूटन। बोलो सिंपल सवाल, हमें शेप से कोई मतलब नहीं है, हमें शेप से कोई मतलब नहीं है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद एक क्वेश्चन ले लें अच्छा सा, मान लो ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मान लो ये मेरे पास एक वायर है, इस टाइप से, इस टाइप से मैंने एक वायर ले ली, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 3, इसके कोऑर्डिनेट है 4 5, ठीक है भाई, इसके कोऑर्डिनेट है 4 5, 4 6 कर लो, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर 4 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 10 टेस्ला, फाइंड फोर्स ऑन वायर, मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन नहीं पूछे आपसे, फोर्स ऑन वायर क्या करें, बी पता है, आई पता है, एल नहीं पता, तो एल के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये रखे हैं ना, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप, बी वेक्टर क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप, पता है आपको, और ए बी डिस्टेंस चाहिए अपने को, तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, एल मान लें इसको, बी माइनस है, अरे पता है ना आपको, ए बी बी माइनस है, 4 माइनस 2 2i कैप, 6 माइनस 3 3j कैप, तो ये मेरे पास ए बी लेंथ आ गई, मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकाल लो, आई का कोफिशिएंट 2 2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 3 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 4 प्लस 9 रूट 13, बात समझ में आ गई, एल नहीं था एल निकाल लिया, नाउ फोर्स क्या होगा, बी आई एल साइन 90, अरे 90 है फील्ड इनवर्ट, तो बी कितना 10, आई कितना 4, एल कितना √13, साइन 91, तो 40 √13, समझ में आ गई बात, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भी मैं इसको कर सकता हूं, थोड़ा ध्यान रखना, अच्छा सवाल है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में आपके पास चारों ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में हो तो क्या करें, ये सवाल तो हो गया, अगर इसमें चारों ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में आ जाए और वेक्टर में आपसे आंसर पूछे तो क्या करें, तो ध्यान दो, इसको दोबारा से करते हैं, यहां पे मान लो आपको दे रखा है 10 टेस्ला के कैप, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन होगी और ए बी लेंथ आ गई आपके पास, तो यहां क्या करेंगे एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, अगर वेक्टर में पूछा है तो वेक्टर लगाओ, आई कितना 4, एल कितना 2i कैप प्लस 3j कैप, क्रॉस बी, बी कितना है 10 के कैप, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, फोर आउटसाइड ध्यान देना, 10 2 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है आई क्रॉस के, बेटा आपको पता है आई क्रॉस जे क्या होता है, के आई क्रॉस के माइनस जे, क्योंकि आई जे के सेम ऑर्डर में होने चाहिए आप लोगों को पता है, ठीक है, तो आई क्रॉस के क्या होगा माइनस जे, तो ये माइनस जे आ गया, प्लस 10 3 30, जे क्रॉस के याद आ रहा है कुछ, जे क्रॉस के क्या होता है आई कैप, तो 30 आई कैप,
इसको क्या लिखूंगा मैं, 30i cap - 20j cap। मान ले तो ये हो गया 120i cap - 80j cap। तो ये मेरे पास फोर्स आ गया, ये मेरे पास फोर्स आ गया। अगर आपके पास चारों ऑप्शन में फोर्स इस टाइप से दे रखा है तो ये ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे भाई मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड बता दो। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा फोर्स का, आई के कोफिशियंट का स्केयर प्लस में जे के कोफिशियंट का स्केयर। सॉल्व कर लो इसको, 144 00 64 00, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 140 60 200 208। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा आपके पास फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है, और देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, या नेगेटिव तो माइनस का हो जाएगा। ये 120 दे रखा है, ये 80 दे रखा है, तो मान लो फोर्स ऐसे है थीटा एंगल में, समझ रहे हो। तो आपको पता है जब दो वेक्टर में एंगल 90 हो तो क्या करते हैं, टेन थीटा, अरे यहाँ नेगेटिव है तो नीचे ले लिया। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो 2/3, टेन थीटा कितना आ गया 2/3, थीटा कितना आ गया टेन इनवर्स 2/3। ये लो, इसी क्वेश्चन को हमने दो तरीके से कर लिया। अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो पहले किया था, अगर वेक्टर फॉर्म में आ जाए तो वेक्टर लगा दो, और डायरेक्शन पूछे तो ये। सारी बातें मैंने एक एक करके इसके अंदर बता दी, प्रैक्टिस करनी आप लोगों को। कुछ डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा, मुश्किल चीज नहीं है कुछ भी, ठीक है। ठीक है भाई, ये बात मुझे समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप लोगों को एक क्लोज लूप दे दिया, एक करंट कैरिंग वायर, फोर्स बताओ, फोर्स ऑन वायर, मैग्नेटिक फील्ड बी, रेडियस आर, क्या करें, करंट आई फ्लो कर रहे हैं। तो जरा सोचो, अगर ये क्लोज लूप है तो स्टार्टिंग पॉइंट ए, घूम फिर के दोबारा आएगा तो भी ए, तो हम लिख सकते हैं इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज ए, सॉरी, सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अरे बोलो, और डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो एल क्या हो गया, जीरो। तो फोर्स क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा। तो जब ये जीरो हो गया तो क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब मुझे पता लग गया, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप इज जीरो। अभी थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मुझे बताओ, आपसे कोई पूछे ये मैग्नेटिक फील्ड भाई, ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर शेप ले ली, करंट फ्लो कर रहा है आई ए बी सी, ए से चला दोबारा ए पे आ गया, तो बताओ फोर्स क्या होगा, फोर्स जीरो होगा, फोर्स जीरो होगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब चलो एक बार और डिस्कस करें, इसमें फोर्स जीरो होगा, ठीक है, नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स, ठीक है। कैसे, देखो ध्यान से, अगर छोटे छोटे एलिमेंट लें, ये करंट यू जा रहा है, तो यहां करंट कैसे हो गया ऐसे, यहां करंट कैसे हो गया ऐसे, हो गया ना। फोर्स की अगर बात करूं तो किधर आया, फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स कहां आया, इधर। तो इस एलिमेंट पे फोर्स इधर आया, और इस पे कहां आएगा, इधर, चेक कर लो, आया ना। ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो, बट इनका इफेक्ट तो रहेगा। इसी टाइप से यहां, यहां अगर देखा जाए तो इस पे नीचे और इस पे ऊपर, तो भी फोर्स इक्वल अपोजिट नेट क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, नेट फोर्स ऑन लूप इज जीरो, बट फोर्स ऑन ईच एलिमेंट इज फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जीरो नहीं है, हर एलिमेंट के लिए फोर्स फाइनाइट है, कुछ ना कुछ आएगा, बट नेट फोर्स ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स कैंसिल आउट,
इन पेयर्स. सो नेट इज या नेट फोर्स इज जीरो. आई थिंक बात समझ में आ गई होगी नेट फोर्स जीरो क्यों है. नेट फोर्स जीरो क्यों है, क्योंकि हर एलिमेंट का आएगा लेकिन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, उसमें नेट क्या हो जाएगा, जीरो. ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई. अब इतनी बात समझ में आ गई तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है देखते हैं. सपोज करो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, और मैंने आपको इसके अंदर एक इरेगुलर शेप दे दी क्लोज पाथ. करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर क्लॉकवाइज आई. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी. क्लियर, ठीक है भाई. फाइंड नेट फोर्स ऑन लूप विल इट्स शेप चेंज और नॉट. ये क्वेश्चन आ गया आपके पास. तो बेटा क्या करोगे, क्लोज लूप है तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो. इतनी बात तो हमें पता है. क्या शेप चेंज होगी, ईच एलिमेंट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन डायरेक्शन. किधर भाई, इनवर्ड और आउटवर्ड चेक करना है. देखो इस एलिमेंट की बात करूं तो फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स कहां आया, आउटवर्ड. इस एलिमेंट की बात करूं तो ये आउटवर्ड. तो हर एलिमेंट के लिए क्या देख पा रहे हो, फोर्स क्या आ रहा है, आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन. ईच एलिमेंट विल एक्सपीरियंस इन आउटवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इरेगुलर शेप टर्न्स इनटू सर्कुलर लूप, टर्न्स इन ए सर्कुलर लूप. ये सर्कुलर लूप में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है भाई, शेप चेंज होगी, पता लग गया इसकी शेप चेंज होगी. तो ये इस टाइप से सर्कुलर लूप बन जाएगा. रेडियस क्या मान लें, आर. बात समझ में आ गई. अगर करंट क्लॉकवाइज है तो फोर्स आउटवर्ड आएगा, सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा. ये बात समझ में आ गई, ठीक है. अच्छा सवाल है, आ चुका है जी मेरे पास. ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि इरेगुलर शेप आ जाए, नेट फोर्स जीरो है, क्लोज लूप है, बट वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हर एलिमेंट के ऊपर फोर्स है. तो जब ये सर्कल में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब ये जो वायर है, ये जो स्ट्रिंग है, इसमें खिंचाव आएगा, इसका मतलब टेंशन आएगी. ठीक है, फाइंड टेंशन इन लूप. कितनी टेंशन आएगी, तो सपोज करो मैं इसका एक छोटा एलिमेंट लेता हूं, इतना एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया इसका. ठीक है, इस टुकड़े को अगर मैं जूम करता हूं, बड़ा करके देखता हूं, तो मुझे ऐसा दिखाई देगा, ए बी, समझ गए, ये रिंग का सेंटर था. तो इसको ऐसे मान लो, यहां से ये परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, मान सकता हूं. ठीक है, करंट किधर जा रहा है, इधर, कितना जा रहा है, आई. मैं चाहता हूं टेंशन निकालने, तो बेटा टेंशन क्या होगी, जब ये ऊपर खिंच रहा है, जब एक रबड़ में खिंचाव आता है तो वो खिंचने का अपोज करता है ना, तो टेंशन क्या आएगी, इधर से इधर, इधर से इधर, और यहां एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं मैं. ठीक है, ये थीटा, तो ये रेडियस है, तो रेडियस के परपेंडिकुलर टेंजेंट, और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, तो ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा. इतनी बात समझ में आ गई. ये टी है तो ये टी कोस थीटा, ये टी है तो ये भी टी कोस थीटा, और दिस इज टी साइन थीटा, और दिस इज ऑल्सो टी साइन थीटा. तो नेट फोर्स कितना आ गया यहाँ पे, नेट फोर्स कितना आ गया यहाँ पे, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, टेंशन की वजह से इनवर्ट, क्योंकि जो फोर्स है फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, वो इस स्ट्रिंग को बाहर की तरफ खींच रहा है, बट इसमें जो खिंचाव आएगा वो उस फोर्स का अपोज करेगा. तो कितना आया, टू टी साइन थीटा. अब ये बोझे तो खींचेगी नहीं, खाली सर्कुलर रूप में कन्वर्ट होकर रह गई, तो बैलेंस होना चाहिए. नाउ दिस फोर्स टू टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन द वायर. ठीक है, टू टी साइन थीटा फोर्स किसके बराबर है, फोर्स क्या है, वी आई एल,
आई एल, एल क्या है इसकी लेंथ, एल मान लें इसको, अब एल निकालना है आपको, ठीक है। अब क्या करें वो देखो, अगर इसकी एल निकालना चाहे, बहुत आसान सवाल है, पहले ही प्लस होने पड़े हमें इस टाइप से। पहली बात थीटा स्मॉल, थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा कंपेरेबल टू थीटा, तो ये क्या हो गया टू टी थीटा। यहां देखो बी आई एल, इसको मैं करता हूं टू आर थीटा, कैसे ध्यान दो, ये आधा पार्ट ले लिया, ये एंगल थीटा, ये आर्क, ये रेडियस आर, एक्स मान लो, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस घट जाएगी, तो आर थीटा क्या आ गया एक्स, एक्स क्या आ गया आर थीटा, ये आर थीटा तो ये भी क्या होगा आर थीटा, तो टू आर थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समझ गए ना, ये थीटा से थीटा कैंसिल, टू से टू कैंसिल, टेंशन क्या आ गई बी आई आर। तो अगर वायर में आपको टेंशन निकालनी है, एक लूप है स्ट्रेच हो गया सर्कुलर एक शेप में आ गया, तो टेंशन कितनी आएगी बी मैग्नेटिक फील्ड करंट इनटू रेडियस ऑफ द लूप, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, सपोज करो आपके पास एक रिजिड स्पॉट है, यहां पे दो वायर स्ट्रिंग लटका दी और इसके साथ एक बॉडी अटैच कर दी, रोड अटैच कर दी, ठीक है, टेंशन दोनों में आएगी, ठीक है ना, आएगी टेंशन तो, ठीक है, रोड पतली कर लेते हैं थोड़ी सी, इतनी बात समझ में आ गई। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी इनवर्ट, या मैं बना दूं मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इनवर्ट दिया हुआ है बी, ठीक है, ओके। लेंथ इसकी एल, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट सच दैट टेंशन इन रोड इज जीरो, रोड में टेंशन क्या हो जीरो, ये क्वेश्चन है ऊपर। तो जरा सोचो टेंशन क्या करनी है जीरो, तो फोर टी इक्वल टू जीरो, ये जो रोड है मेरे पास, वेट क्या होगा डाउनवर्ड, अगर मैं इसका मास एम मान लू तो वेट क्या हो जाएगा एम जी, तो टेंशन जीरो कब होगी जब इसके वेट की वजह से ये नीचे आने वाली है और रस्सी में खिंचाव आने वाला है, आएगा, लेकिन अगर कोई फोर्स इसको ऊपर की तरफ से बैलेंस कर दे तो टेंशन क्या हो जाएगी जीरो, स्ट्रिंग में स्लैक पड़ जाएगा, स्ट्रिंग में बल पड़ जाएगा, समझ रहे हो ना, तो अगर कोई फोर्स को बैलेंस कर दे तो इसका मतलब फोर्स कहाँ आना चाहिए ऊपर की तरफ, इतनी बात समझ में आ गई, फोर्स कहाँ आना चाहिए ऊपर की तरफ, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो फोर्स क्या आएगा बेटा बी आई एल, क्योंकि फील्ड इनवर्ड, लेंथ इधर एंगल 90 एम जी, तो आई तो क्या आ गया एम जी बाई बी एल, इतनी बात समझ में आ गई, दिस इज मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट की अगर बात करूं तो बेटा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स कहाँ आना चाहिए ऊपर, फील्ड कहाँ है अंदर, तो फील्ड अंदर फोर्स ऊपर, करंट किधर जा रहा है टुवर्ड्स राइट, तो आई मस्ट बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, करंट क्या होना चाहिए लेफ्ट टू राइट साइड, समझ में आ गई बात। अब कोई वैल्यू आ जाए 4 मीटर 6 मीटर डालो, सोल्व कर लो इसको, बेसिक बेसिक बातें मैंने बता दी, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो मैं कर लूंगा। इसी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को अगर कोई ये कह दे सेकंड पार्ट, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड देन फाइंड टेंशन इन रोड, सेकेंड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो करंट की डायरेक्शन क्या थी लेफ्ट टू राइट, अब क्या हो जाएगी राइट टू लेफ्ट, ठीक है, करंट की डायरेक्शन अगर राइट टू लेफ्ट हो जाएगी तो इस रोड में वेट तो था एम जी, नीचे ही रहेगा, वेट तो ऊपर जा नहीं सकता, ठीक है। अब फोर्स किधर आएगा, जरा सोच के देखो, फील्ड इनवर्ड करंट टुवर्ड्स लेफ्ट, फोर्स आया डाउनवर्ड, तो बेटा फोर्स भी डाउनवर्ड आया और टेंशन क्या थी टी टी टूटी, बात समझ में आ गई, तो रोड तो इक्विलिब्रियम में है ना, तो रस्सी टूटी नीचे जा रही है, ठीक है,
फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ रोड, तो रोड के इक्विलिब्रियम से क्या होगा, 2t मस्ट बी इक्वल टू एफ प्लस एम जी। एफ क्या था बेटा, बी आई एल प्लस एम जी, सारी वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा बी आई एल प्लस एम जी डिवाइड बाई टू। रोड में टेंशन कितनी आएगी, इतनी आएगी। मेरी बात समझ में आप लोगों को आ गई, बड़ा अच्छा सवाल था, इजी सवाल था, लेकिन कंसेप्ट है क्लियर। वैल्यू वगैरह आ जाए तो आप लोग पुट कर लोगे, ठीक है। तो रोड में करंट फ्लो करे, टेंशन निकालनी आ जाए तो मैं कर सकता हूं। अब ये जीरो लेके और अच्छे अच्छे सॉल्व बन जाते हैं। देखिए सपोज करो मेरे पास दो रेल्स है, रेल्स का मतलब दो कंडक्टिंग रोड्स हैं, वायर्स, और इन कंडक्टिंग वायर को मैंने एक बैटरी से जोड़ लिया इस टाइप से। बैटरी का पोटेंशियल वी, रेजिस्टेंस क्या मान लिया इंटरनल आर, तो बेटा पॉजिटिव से करंट चलेगा यूं, अरे हाँ या ना। और इसके ऊपर मैंने इस टाइप से एक रोड लगा दी, रोड का रेजिस्टेंस आर, रोड की लेंथ एल, ठीक है। तो रोड में करंट कैसे फ्लो करेगा, नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर मान लें, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मान लेते हैं, ठीक है ना। आगे तक बी क्या मान लिया, इनवर्ड, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, फाइंड फोर्स ऑन रोड, रोड के ऊपर फोर्स बताओ, भाई फोर्स निकाल सकते हैं। सेकंड फोर्स आ गया तो एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन बताओ। तीसरा आ जाए फाइंड वेलोसिटी ऑफ रोड आफ्टर टाइम टी, वेलोसिटी पूछ सकते हैं, और ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस मूव्ड इन टाइम टी, टी टाइम में डिस्टेंस कितनी मूव करी वो बता दो। तो जरा देखो ध्यान से, फील्ड अंदर, करंट रोड में नीचे, फोर्स कहां आया, टुवर्ड्स राइट। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना आता है वो पता है, फोर्स क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा साइन 90। तो बेटा फोर्स तो आ गया बी आई एल, नो डाउट। अब मान लो रोड का मास कितना है, एम, तो पहला पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट क्या कहता है, एक्सेलरेशन। तो सिंस एफ इक्वल टू बी आई एल, और एफ इक्वल टू एम ए भी कर सकते हैं, तो एम ए इक्वल टू बी आई एल, अरे हाँ या ना, ठीक है। और ए क्या आ जाएगा, बी आई एल बाई एम। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, ये बेसिक बेसिक बातें हमने की, इतना समझ में आ गया। फोर्स क्या था, बी आई एल, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दो कि पोटेंशियल दे रखा है, रेजिस्टेंस भी है, तो आई निकाल देंगे भाई, आई कितना आएगा, आई क्या होता है, पोटेंशियल बटे हुए टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस आर, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, बी वी अपॉन में आर प्लस आर इंटू में एल, अरे हाँ या ना, क्या बनेगा, बी आई एल, तो बी इंटू में आई डिवाइड बाई आर प्लस आर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। देखने में परेशानी हो रही है तो उसको दोबारा लिख देता हूं मैं, एफ इक्वल टू बी, आई की वैल्यू क्या थी, बी अपॉन में आर प्लस आर इंटू में एल, अब ठीक है बोलो। और सेकंड पार्ट तो ये बन जाएगा बी वी एल बटे में आर प्लस आर, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट क्या होता है, एफ इक्वल टू बी आई एल, एफ इक्वल टू एम ए, एम ए से ए आ गया, और अगर मैं आई की वैल्यू पुट करूं तो आई की वैल्यू क्या थी, वी अपॉन में आर प्लस आर, तो बेटा ए आ गया बी एल वी बटे में एम आर प्लस आर। ये आई की वैल्यू मैंने पहले जानबूझ के पुट नहीं की, बड़ा फॉर्मूला हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फोर्स क्या होता है, बी आई एल, आई निकालना पड़ जाए, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके मैंने आई निकाल लिया, आई की वैल्यू एफ में पुट कर दी, ये आ गया एफ, एफ इक्वल टू एम ए होता है तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखो तो भाई ए क्या है, कॉन्स्टेंट, बी कॉन्स्टेंट, एल कॉन्स्टेंट, बी कॉन्स्टेंट, और ये भी कॉन्स्टेंट। तो ए अगर कॉन्स्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, कैन बी यूज्ड, अरे हाँ यार कर सकते हैं। तो थर्ड पार्ट इसमें क्या पूछा था, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, तो यूज कर लो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी,
इनिशियल रोड मान लो रेस्ट पे थी, उसके बाद चलेगी, तो वी यू जीरो ए कितना है बी एल वी बटे में एम आर प्लस आर टाइम टी। आंसर आ गया। चौथा पार्ट आपसे क्या पूछा था, डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल के लिए क्या यूज कर लो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन तो आती है ना आपको, यू जीरो था हाफ ए, ए कितना था बी एल वी बटे में एम आर प्लस आर टी स्क्वायर। आंसर आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है, जस्ट मैंने फॉर्मेट बताया कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हम लोग क्या करेंगे, ऐसा भी आ सकता है एज इट इज। लेकिन अगर न्यूमेरिकल की टर्म में आ जाए तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है जरा देखो, मैं आपको बताता हूं। अगर यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के टर्म में आ जाए तो आप क्या करेंगे, बैटरी दे दी 10 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस दे दिया आपको 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस दे दिया आपको 6 ओम, ठीक है, रोड दे दी, रोड का मास दे दिया मान लो 10 kg, रोड का मास क्या दे दिया 10 kg, रेल से कंडक्टिंग रोड, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। पहला पार्ट फोर्स ऑन रोड, सेकंड पार्ट एक्सेलरेशन ऑफ रोड ऑन रेल्स, रेल्स के ऊपर चलेगी भाई, तीसरा वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, चौथा पार्ट डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड या 2 सेकंड 4 सेकंड कुछ भी है, 2 ले लो, अलग अलग ले लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट फोर्स, तो फोर्स निकालना है, एफ क्या होगा बी आई एल होगा ना, बताया था आपको, तो एफ बी आई एल में मुझे क्या चाहिए पहले आई, तो आई निकालना पड़ेगा, आई क्या होगा वी बटे में आर प्लस आर, तो वी कितना 10, आर कितना स्मॉल आर 4, कैपिटल आर 6, तो 10 / 10 1 एम्पियर करंट आ गया, तो फोर्स क्या आ जाएगा बी, बी कितना ले लो भाई बी भी 10 टेस्ला ले लो, तो 10, आई कितना 1 और एल लेंथ कितना मान लो 2 मीटर, तो लेंथ को 2 मीटर मान लेते हैं, तो कितना आ गया फोर्स 20। मान लो वैल्यू दे रखी है आपको मास 10 kg, लेंथ 2 मीटर, फिर 10 टेस्ला, तो बी आई एल, बी कितना आ गया 10, आई कितना निकाल लिया 1 और ये कितना 20, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, पहला पार्ट फोर्स हो गया, सेकंड पार्ट एक्सेलरेशन निकालनी, तो एफ इक्वल टू एम ए, एफ कितना 20, एम कितना 10, ये कितना आ गया, ये आ गया 2, एक्सेलरेशन पता लग गई, ठीक है। इस रोड के ऊपर ये 2 m/s² की एक्सेलरेशन से दौड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपसे कोई पूछे कि भाई तीसरा पार्ट बताओ, तो तीसरा पार्ट क्या बताया था, वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस एटी, v निकालना है, u जीरो है स्टार्टिंग रेस्ट, a कितना है 2 और टाइम कितना पूछे 3 सेकंड, तो वेलोसिटी 6 m/s होगी आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी 6, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी एक्सेलरेशन है। तो चौथे पार्ट की अगर मैं बात करूं डिस्टेंस, तो यूज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना 0, हाफ ए कितना 2 और टी का स्क्वायर, टी कितना था बेटा 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 सेकंड के बाद कितना चल लेगा 4 मीटर और 3 सेकंड के बाद कितना चल लेगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दो 9 मीटर, समझ गए। तो डिस्टेंस निकालनी आ जाए, वेलोसिटी निकालनी आ जाए, टाइम वगैरह पूछ ले तो हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब रेल्स के ऊपर रोड है, इसमें और क्या घुमा सकते हैं, देखो मान लो इस टाइप से आपको ना हॉरिजॉन्टल रेल दे दी, मान लीजिए आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल रेल्स है इस टाइप से, समझो समझ पा रहे हो, तो ये इस टाइप से रेल है, इसको हमने इस टाइप से जोड़ रखा है, क्लियर, ये यूं जाके करंट इधर आएगा आई, लेंथ एल मास एम, क्लियर, करंट आई, इसको यहां से इस टाइप से पुली से कनेक्ट कर दिया और यहां से एक वेट लगा दिया एम, तो वेट क्या हो गया एम जी मास एम, ठीक है, पुली फिक्स है, ओके। अब इसमें आपसे जो पूछ ले, फाइंड
मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट सच दैट रोड जस्ट मूव्स या जस्ट स्लिप्स ऑन रेल्स, ये सवाल आ गया। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात क्या है, रस्सी है तो टेंशन आएगी, पता आप लोगों, और इसके वेट की वजह से ये तेजी से भागेगी क्योंकि यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, ध्यान रखना इसका फ्रिक्शन होगा तो इसका अपोज होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं है तो इसके वेट की वजह से भागेगी। इसका मतलब ये कह रहा है जस्ट मूव, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई फोर्स इधर आना चाहिए जो इस टेंशन को बैलेंस करे, क्योंकि नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो या तो ये चलेगी नहीं, और अगर चलेगी तो जस्ट बिल्कुल धीरे धीरे चलेगी, तो कंडीशन ये कहती है इधर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, अब ये इधर आना चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन में या तो आपसे पूछ लेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट सच दैट रोड जस्ट स्लिप्स ऑन द रेल, ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये दे दिया तो फील्ड तो बी मान लेते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दो ये जो रोड है वो ऐसे नहीं है, ये ऐसे है रोड, तो करंट नीचे आ रहा है इसका मतलब करंट इधर जा रहा है, रोड ऐसे, रोड में करंट इधर और फोर्स किधर आना है इधर, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फोर्स कहाँ आना है इधर, करंट कहाँ जा रहा है इधर, करंट यू जा रहा है तो करंट तो हो गया इधर, फोर्स कहाँ आ गया इधर, करंट इधर फोर्स इधर, फील्ड कहाँ आया ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, इतनी बात समझ में आ गई, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा। ठीक है, अब फॉर जस्ट स्लिपिंग एफ मस्ट बी इक्वल टू टी, एफ तो इधर होगा ना, अगर ये अपवर्ड है तो बैलेंस होगा इधर, और टी इक्वल टू एम जी, क्योंकि ये अगर स्लिप नहीं होगा तो ये भी बैलेंस होगा, टी माइनस एम जी इक्वल टू क्या होता है एम ए, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, अरे जस्ट स्लिप के लिए एक्सेलरेशन क्या होगी जीरो, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा एम जी, तो टी इक्वल टू एम जी आ गया तो क्या आ गया एफ इक्वल टू एम जी, एफ क्या होता है बी आई एम, एम जी आई कितना आ गया एम जी बटे एम ए बी आई, दिस इज मिनिमम करंट। क्या आपको बात समझ में आई, इस क्वेश्चन में मैकेनिक्स जोड़ी थोड़ी सी, अगर ये जस्ट स्लिप होगा तो एक्सेलरेशन जीरो, टी एम जी के बराबर होगा, पीछे पड़ा हुआ है आपका, हमने लॉज ऑफ मोशन में फोर्स इधर आएगा मैंने समझा दिया, फील्ड ऊपर आएगा, अब क्या करना है एफ टी के बराबर, एफ क्या होता है बी आई एल टी एम जी आई, निकालो आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं, ये थोड़े अच्छे सवालों में काउंट हो जाते हैं। तो करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स आएगा, कितना आएगा कैसे आएगा, क्लोज लूप पे जीरो होगा, हर तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस करने की कोशिश की, अब जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू।